हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? तो अभी यहाँ सुबह हो चुकी है और लगभग सुबह के 6 बज चुके हैं और अभी मैं यहाँ से पर्दे हटा देती हूँ। यहाँ सुबह आज मौसम बहुत ही अच्छा है, हल्की हल्की छींटे हो रही थी, बिल्कुल हल्की हल्की, और मौसम एकदम बढ़िया हो रहा था। पूरे काले बादल छा रखे हैं और बहुत ठंडी ठंडी हवा भी आ रही है। रात को तो आज इतनी ठंड लग रही थी जैसे सर्दी में लग रही हो, और देख सकते हैं पूरे बादल छाए हुए हैं और बहुत ही अच्छा नज़ारा लग रहा है सुबह का। बहुत ही अच्छी हवा भी आती है यहाँ से। यहाँ पे थोड़े पेड़ पौधे भी लगा रखे हैं, पीछे जगह है उसमें, तो मैं यहाँ से पर्दे हटा देती हूँ। अभी मैंने ये पर्दे लगाए हैं। यहाँ से क्या होती है कि अभी गर्मियों का सीज़न चल रहा है तो मिट्टी भी बहुत आती है और दिन को गर्म हवा आती है, तो दिन को हम पर्दे लगा देते हैं ताकि गर्म हवा भी नहीं आती है। और यहाँ मैंने मनी प्लांट लगा रखी है तो उनको पानी पिला देती हूँ। सुबह उठते ही मेरा यही काम रहता है, थोड़ा थोड़ा इनको पानी पिला के फिर मैं दूसरा काम में लग जाती हूँ, झाड़ू पोछे वगैरह। बीच में मैं अपने मम्मी के यहाँ चली गई थी तो ये ऊपर थे, ये तो ऊपर कोई लोग कम ही आते थे तो ये काफ़ी जल गए थे, इनमें पानी नहीं डाला था, तो अभी वही वापस सही हो गए एकदम। और कल आई थी बहुत तेज आंधी और उस वजह से घर में पूरी मिट्टी मिट्टी हो गई है, तो मैं थोड़ी साफ़ सफाई कर लेती हूँ। अभी वैसे भी आंधियों का सीज़न चल रहा है तो मिट्टी तो बहुत ज़्यादा आती है, लेकिन सफाई तो करनी पड़ती है। तो अभी मेरी साफ़ सफाई हो गई है, झाड़ू पोछे सब कर लिए हैं मैंने, और आज है मेरे नवरात्रा का फास्ट, मैंने व्रत रखा है, तो मैं सबसे पहले नहा लेती हूँ साफ़ सफाई करके। तो ये देखिए मैं नहा ली और बाल भी धो लिए, कपड़े भी धो लिए। अभी आरुष कर रहा है मेरे बालों के साथ मस्ती, इसको बहुत मज़ा आता है, गीले गीले बालों में से पानी टपकता है तो ये सोचता है ये पानी कहाँ से आ रहा है, और इसको पानी का कुछ ज़्यादा ही शौक है थोड़ा। अभी देखो बहुत ज़्यादा मस्ती करेगा ये बालों के साथ, बहुत मज़ा आता है इसे। ये बोल रहा है तुम सामने रखो, देखो मत मेरे को। बहुत बदमाश है ये, 10 लोग भी हो ना इसके लिए कम पड़ते हैं मस्ती करने के लिए। सारे दिन इसके साथ मस्ती करो, ये बिल्कुल खुश है एकदम, ना इसको सोना है, ना कुछ खाना पीना है, ना इसको भूख लगती है, कुछ भी नहीं। देखो मेरे को बोल रहा है तू ऐसे उल्टी हो जा, अब मैं कैसे उल्टी हो जाऊँ। इतनी शैतानी करता है ना, बस पूछो मत। अब देखो अब मेरे पीछे ही जाके बैठेगा कि बाल पकड़ के खींचने हैं मेरे को, तू ऐसे मत घूम, बस सीधी बैठी रहे, मैं बाल खींचू तेरे पीछे से। तो अभी हम सुखा लेते हैं कपड़े, अभी कपड़े भी सुखाने की मेरी जरूरत नहीं है। ये देखो ये बता रहा है कि बाल्टी यहाँ रख। इसको सब पता है कहाँ सुखाने हैं, कैसे सुखाने हैं। अब आरुष सुखा देगा मेरे, देखो इतने जल्दी जल्दी सुखाएगा कपड़े, मैं तो बैठ जाऊँ आराम से। ये देखो ऐसे सूखते हैं कपड़े। एक भी कपड़ा बाल्टी के अंदर नहीं रहने देगा, तो अभी बाल्टी में दीवार पर रख देती हूँ फिर कपड़े सुखा लेती हूँ, तो भाई एक बोल रहा मैं दूसरे काम कर लूँगी। लो मैं ये भी खेल दूँगा, कुछ ना कुछ तो चाहिए भाई टाइम पास करने के लिए। इतना शैतान है ना ये। लो वापस बाल्टी के पास आके पूरे दिन पूरी रात इसको पंचायती कराओ ना तो भी इसको कम लगती है, अभी अपना चड्डा सुखाएगा। इसकी तनी यहाँ पे है, इसकी जहाँ हाथ पहुंचेगा उस वहां पे इसकी तनी है। पूरे दिन मस्ती करता है ये पूरे दिन। अभी मैंने कपड़े सुखा लिए तो बाल सुखा लेती हूँ फिर मैं दूसरा काम करूंगी, लेकिन लो बाल भी मेरा आरुष सुखा देगा और बाल बना भी देगा, सारा काम कर देता है ये। ये जैसे ही खड़ा होता है मैं इसको वापस गिरा देती हूँ। अब चढ़ेगा वहां पलंग के ऊपर। तो अभी आ गई हूँ मैं किचन में और अभी खाना बना लेती हूँ। मैंने आज
बाकी काम पहले कर लिए हैं। खाना अभी बना रही हूँ। यहाँ मैंने काकड़ी की सब्जी बनाई है, जो तर काकड़ी होती है वो अभी सीजन में आ रही है और इसकी सब्जी भी बहुत अच्छी लगती है। हरी मिर्च डाल के बनाई है, हरी मिर्च थोड़ी सी ज़्यादा डालें इसमें और लाल कम डालें, और फिर काकड़ी की सब्जी थोड़ी सी खटाई डाल के बनाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। सब्जी बन के तैयार है। इधर मैं आटा लगा लेती हूँ। अभी हम बना लेते रोटियां। मेरा व्रत है, मैं तो बाद में खाऊंगी, बाकी लोग अभी खा लेंगे। गर्मी के अंदर तो गरम गरम रोटी कम ही खाते हैं, तो मैं बना के रख देती हूँ। यहाँ मैंने बना दिया चूरमा, भोग के लिए गुड़ का चूरमा बनाया है। इसको मैं ढक के रख देती हूँ, ऊपर से एक रोटी से ढक के टिफिन के अंदर ही रख दूँगी इसे, क्योंकि ये ठंडा नहीं होगा, गर्म रहेगा ये। तब हम पूजा करेंगे तब उसमें काम मिलेंगे। ये मैंने आरुष के लिए राबड़ी बना दी है, सब्जी बना दी, रोटी बना दी, रायता भी बना लिया है। लगभग सारे काम कर लिए हैं किचन के। अभी गैस वगैरह स्टैंड सब साफ करके बर्तन वर्तन धो के सारा काम ख़त्म कर लेती हूँ किचन का। काम तो सारे दिन जितना करो उतना कम है, सारे दिन लगी रहती हूँ मैं तो, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। फ्री होती हूँ जब तक मेरे को आरुष परेशान करने लग जाता है, तो आराम करने का तो नाम ही नहीं है। सारे दिन काम करते रहो, फिर ऊपर से मेरे को वीडियो वगैरह भी बनाने पड़ते हैं, तो मेरे को तो बिल्कुल ही टाइम मिलता नहीं है। अभी मैंने किचन का सारा काम किया और उसके बाद मैं आरुष को नहला देती हूँ। ये आज थोड़ी देर पहले सो गया था, तो आज थोड़ा नहलाने में इसे लेट हो गया है। बाकी तो मैं इसे 10-10:30 बजे नहला देती हूँ। सर्दियों में थोड़ा लेट नहलाती थी, क्योंकि ये सर्दियों में इसको पानी से बहुत ठंड लगती थी, रोता था। अब देखो इसको पानी के अंदर बहुत मज़ा आ रहा है और इसको पानी को पकड़ना चाहता है। अब पानी को कैसे पकड़ेगा, अभी ये सोच रहा है कि ये मेरे पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। अब ये तो समझ में, ये बड़ा होगा तभी आएगा, अभी तो इसको आने वाला है नहीं। अभी तो ये समझ रहा है कि ये मेरी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है। बाथरूम में इसको पानी के अंदर पूरे दिन बिठा के रख दो, ये बाहर जाने का नाम भी नहीं लेगा। इतना पसंद है इसको पंचायती करना, पानी से ज़्यादा इसको पंचायती करनी। इधर से इधर, इधर से इधर, लो मैं खुद ही नहा लूँ फटाफट। ये लो भाई, हमारा आरुष का स्नान हो गया, अब चलते हैं हम तो। सर्दियों के अंदर तो बहुत रोता था नहाने में, अब गर्मियों के अंदर तो बहुत मज़ा आता है इसको नहाने में, चाहे पूरे दिन इसको बाथरूम में बिठा के रखो। अब मैं इसके तेल वेल लगा रही हूँ तो तेल नहीं लगाने दे रहा, बोल रहा पहले पाउडर लगाओ। मैं बोल रही हूँ पहले पाउडर नहीं, पहले तेल लगाते हैं, तो नहीं, पहले पाउडर लगाओ फिर तेल लगाओ। अब तेल भी लेके आएगा देखना। पाउडर लगाने में बहुत मज़ा आता है इसको, अच्छी खुशबू भी आती है और एकदम ठंडा ठंडा लगता है। अब लेके आया तेल, अब तेल लगाओ। तो ये हमारा आरुष भी रेडी हो गया है एकदम, काजल वाजल निकाल के, ड्रेस पहन के, स्नान करके एकदम है तैयार। अब और करेगा मस्ती। इधर फ़ोन चल रहा है मासी का और नानी का वीडियो कॉल, और अभी मैं कर लेती हूँ जोत, जो आज नवरात्रा भी है, लास्ट नवरात्रा है, तो इसमें मैंने व्रत भी किया है और भगवान को प्रसाद चढ़ाएंगे। इसमें हम नॉर्मली हम नारियल और चूरमे का प्रसाद ही चढ़ाते हैं, हमारे परिवार में ऐसा ही होता है और शुरू से परंपरा है। हम नारियल की जोत करते हैं और उस पर देसी घी डाल के होमते हैं, वो बहुत ही शुभ माना जाता है। उसको घर में घुमाते हैं तो बहुत ही अच्छा माना जाता है, बहुत ही शुभ माना जाता है। और प्रसाद में हमने नारियल चढ़ाया है और गुड़ का चूरमा बनाया था मैंने, वो चढ़ा दिया है। बाकी सबके अलग अलग रिवाज होते हैं, कोई कैसे पूजा करता है, कोई कैसे करता है, लेकिन हमारी पूजा इसी तरह से होती है। ये देखिए आरुष को भी हमने तिलक लगा दिया है, और आरुष बोल रहा है मुझे भी प्रसाद खानी है, तो मैंने इससे भी थोड़ी सी खिला दी है। आरुष को बोल रहे जय जय करो, तो जय जय नहीं करेगा, बोलेगा मेरे को तो ये खाना है, और जब खिलाएंगे ना तो बिल्कुल भी नहीं खाएगा। तो अभी हम ये जो जोत की है उसको थोड़ा घर के अंदर घुमा देते हैं, इससे बहुत ही शुभ माना जाता है, थोड़ा शुभ हो जाता है। तो मैंने पूरे नवरात्रा तो नहीं किए, मैं बस दो ही करती हूँ, फर्स्ट और लास्ट, हमेशा दो ही कर पाती हूँ, ज़्यादा नहीं कर पाती हूँ, इसलिए दो ही होते हैं। तो अभी हमारी पूजा हो गई है और अभी लगभग दिन के 3-3:30 बज चुके हैं, और
पूजा मैंने सुबह कर ली थी, अभी वो वापस मैं शाम का बता रही हूँ आपको। तो मैंने कपड़े वगैरह समेट लिए और यहाँ आरुष का डांस चल रहा है और पापा के साथ मस्ती भी कर रहा है। पापा को बोलता है सटका लगाओ, ये गाना है एक सटका जो इसको बहुत ज़्यादा पसंद है, सारे दिन उसके पीछे पड़ा रहेगा। और अभी मैं अपने दूसरे काम कर लेती हूँ, यहाँ पुदीना पड़ा है तो मैं इसको थोड़ा साफ़ कर लेती हूँ, इसकी पत्ती तोड़ लूँगी और डंडी है जो अलग कर लूँगी, इसको मैं साफ़ करके स्टोर करके रख देती हूँ। मैं पहले इसकी पत्तियाँ तोड़ूंगी और डंडी है जो अलग हटा दूंगी, फिर इसको अच्छे से धो के मैं एक अखबार के ऊपर सुखा देती हूँ। और इसको हम छाया में सुखाएंगे, धूप में नहीं सुखाएंगे, छाया में सुखाने से ये इसका कलर है जो एकदम हरा ही रहेगा, ये काली नहीं पड़ती है। और इसको हम सूखने के बाद एक डब्बे के अंदर भर के रख देते हैं, तो जब भी हमें इसकी ज़रूरत होती है हम ले सकते हैं। और गर्मियों में पुदीना बहुत ज़रूरी होता है, हमारे शरीर को ठंडक देता है। छाछ, रायता, राबड़ी कुछ भी बनाते हैं तो उसमें पुदीना ज़रूर डालें, बहुत ही अच्छा लगता है। तो ये मेरा पुदीने का काम तो हो चुका है और आरुष आ गया है पीछे, अभी ये ताऊजी के साथ सेल्फी ले रहा है। इसका हमेशा का रूटीन है, ये शाम के टाइम पीछे चला जाएगा और वहाँ घूमेगा पौधों के पास, और इधर से गाय आ जाती है तो उसको कभी कभी गाय से बहुत डर लगता है, तो ये गाय से डर के अंदर भाग जाता है, अकेला बिल्कुल नहीं घूमता है, बहुत डरपोक है ये। तो अभी ये ताऊजी को बोलेगा मेरे साथ है ना, हाथ पकड़ के घूमो, आगे नहीं जाएगा, अकेला बोल रहा मेरे साथ चलो, नहीं आप साथ चलो, अकेला नहीं जाना मेरे को। अभी यहाँ कुछ है तो दिखा रहा है, अभी इसके बड़े पापा इसको आगे तक छोड़ के आएंगे, फिर वो आगे चले जाएंगे, ये पीछे से भागता भागता आएगा। लो क्या हाथ पकड़ के चलो, इतना डरपोक है ना, बहुत ज़्यादा डरपोक है, घर के अंदर तो शेर बनता है। तो अभी हो गई शाम, और मतलब शाम के 7:15 बज चुके हैं, और 7:15 बजे मैंने लगाया एक घी का दिया, क्योंकि आज रामनवमी भी है तो रामनवमी के अवसर पर मैंने एक घी का दिया जलाया है, जो कि जलाना ज़रूरी होता है, जलाना चाहिए सबको, क्योंकि आज राम जी का जन्म दिवस है, इस दिन राम जी का जन्म हुआ था। और इस उपलक्ष्य में हम अपने बच्चों की तो बर्थडे वगैरह मनाते हैं, लेकिन उनका इतना सेलिब्रेट नहीं कर सकते, लेकिन इतना तो कर ही सकते हैं, उनके नाम का एक दिया जला सकते हैं और उन्हें याद कर सकते हैं, तो मैंने भी उनके नाम का एक दिया जला दिया है। तो फ्रेंड्स आज का व्लॉग यहीं ख़त्म करते हैं, तो फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय।